देखो, अगर हमें मॉड एक्स का डिफरेंशियल निकालना है ना, मैंने बोला वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स हो गया, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका मैं डिफरेंशियल निकालना चाहता हूँ, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं मॉड एक्स को ही डिफाइन करूंगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस का एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो वाई हो गया। अब क्या करिए, अब डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो यहां से डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन एज इट इज, और ये हो गया माइनस का वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो और प्लस का वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो रिजल्ट है डीवाई बाई डी एक्स का, यानी कि मॉड एक्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा प्लस वन ही आएगा, हमेशा प्लस वन ही आएगा, क्योंकि अगर एक्स को जीरो से कम लोगे तो माइनस वन आ रहा है, जीरो से ज्यादा लोगे तो प्लस वन। बल्कि प्लस वन ना कहें इसको, प्लस वन कहना गलत होगा, माइनस वन कॉमा वन यही छोड़िए, मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो इसके दो आएंगे कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो माइनस वन, और अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो डिफरेंशियल प्लस वन। ये इसका डिफरेंशियल है, मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू आएंगी। हाँ, जीरो पर ना कॉन्टिन्यूअस होगा ना डिफरेंशियबल होगा। कैसे, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा एक्स मॉड एक्स वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, करके देखा उसको। अगर सिर्फ मॉड एक्स की बात करेंगे तो वो जीरो पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, उस चीज को प्रूव भी करा जा सकता है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो कि इक्वल नहीं आएगी, मॉड एक्स माइनस ए है, हाँ, वो ए पर, डिफरेंशियबल नहीं, ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा और डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। चलिए जी, मैं कॉन्टिन्यूटी को आगे करता हूँ, कॉन्टिन्यू। हाँ सर जी, बताइए बताइए, मेरी आवाज आ रही है? सर हमें ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू एंड प्लस मॉड एक्स माइनस वन का। क्वेश्चन बोलो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक मिनट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड, एक्स प्लस टू हाँ मॉड क्लोज फिर मॉड क्लोज, हाँ प्लस मॉड एक्स माइनस वन। मॉड एक्स माइनस वन, हाँ सर इसे हमें ये बताना था कि ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कौन से उसमें होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में होगा ये बताना है ना? यस सर। ठीक है, इंक्रीजिंग कौन से उसमें होगा और डिक्रीजिंग कौन से में होगा ये देखना है। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे, कि जैसे मॉड एक्स प्लस टू है तो पहले मैं मॉड एक्स प्लस टू को डिफाइन कर लेता हूँ, फिर मॉड एक्स माइनस वन को डिफाइन कर लेता हूँ। दोनों को डिफाइन करके हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा क्या करना होता है, हमको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे मॉड एक्स प्लस टू की, तो डेफिनेशन जो है वो यही देखेंगे, मॉड एक्स की डेफिनेशन ऐसे। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब मॉड के अंदर वाली टर्म जब जीरो से छोटी होगी तो सामने माइनस का साइन लग जाएगा। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू व्हेन, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू व्हेन एक्स प्लस टू इज लेस देन जीरो एंड प्लस का एक्स प्लस टू व्हेन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो मॉड एक्स प्लस टू हुआ, थोड़ा सा और इसको आप सिंप्लीफाई करो, माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस टू व्हेन, ये जो प्लस टू है इसको इधर ले जाओ, ये हो गया व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस टू, और प्लस का एक्स प्लस टू व्हेन, अब क्या करिए, इस प्लस टू को उधर ले जाओ, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो
तो अभी मैंने सिर्फ मॉड एक्स प्लस टू को डिफाइन करा है, अब मैं क्या करूंगा, मॉड एक्स माइनस वन को डिफाइन करूंगा। मॉड एक्स माइनस वन को करते हैं डिफाइन, तो मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी भी डेफिनेशन कि क्या यहां पर माइनस लगा दीजिए, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, ठीक है, और प्लस का एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, माइनस वन को उधर ले जाओ, व्हेन एक्स इज लेस देन वन, और प्लस का एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सो अब मैं ना इस काम को क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर लाइन बनाता हूं, नंबर लाइन बनाइए, यहां पर नंबर लाइन बनाकर थोड़ा खुद को क्लैरिटी आ जाएगी कि फंक्शन को लिखा किस तरीके से जाएगा। देखिए मैं यहां पर ऐसे कहूंगा कि मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बात करी है, अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट तो करा ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहना गलत होगा। अभी तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू है वन, के वन से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और, वन से बड़े पर कुछ और, माइनस टू से छोटे पर कुछ और, बड़े पर कुछ और। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी, इधर लिख लूंगा माइनस टू, और इधर लिख लूंगा प्लस वन, और इधर लिख लूंगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि जब हमारा x माइनस टू से छोटा है तब फंक्शन क्या होगा, जब हमारा x x जो है वो माइनस टू और वन के बीच में लाई कर रहा है तब फंक्शन क्या होगा, और जब x वन और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है तब फंक्शन क्या होगा, हमको ये देखना होगा। तो मैं ये बात करता हूँ कि मैं पहले अब एफ एक्स की बात करूंगा। अभी तक मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें क्या करना होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हमको फंक्शन दे रखा है, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर रखने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट होती है। तो मैं कहता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट से पहले वो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्रिटिकल पॉइंट के बाद या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्रिटिकल पॉइंट पर उसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो अभी तक मैं डिफरेंशिएट तो मैंने करा ही नहीं है क्योंकि ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए, मॉडुलस से हम बाहर निकल जाए, तो मैं ये चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने देखा कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि x हमारा ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा और लेस देन माइनस टू होगा, तो फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बड़ा सा चेन ब्रैकेट लगा लीजिए, और फिर ये कहेंगे हम कि अगर माइनस टू से छोटा है x, तो आप खुद देखो कि अगर x माइनस टू से छोटा है, अगर x माइनस टू से छोटा है तो वन से छोटा तो होगा ही, जो चीज माइनस टू से छोटी है वो वन से तो छोटी होगी ही। तो मैंने ये कहा कि अगर x माइनस टू से छोटा है तो मॉड x प्लस टू की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ x प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, नमस्ते, माइनस ऑफ x प्लस टू, बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ठीक है। तो अब चेक, अब दोबारा देख लीजिए, मैं अभी एफ एक्स लिख रहा हूं, तो एफ एक्स में मैंने बोला कि जो चीज माइनस टू से छोटी है वो प्लस वन से तो छोटी होगी ही, तो इसलिए मॉड एक्स माइनस वन की जगह आप माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिखेंगे, तो ये हो गया, प्लस ना लगाकर यहां पर माइनस ही लगा लो, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, और कॉमा करके फिर आप लिखेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन माइनस टू, लेस देन माइनस टू लिखेंगे क्योंकि देखो लेस देन है, यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, लेस देन माइनस टू। अगला क्या होगा कि x माइनस टू से बड़ा हो और प्लस वन से छोटा हो, ठीक। तो अब आप ये देखिए कि अगर x माइनस टू से बड़ा है तो मॉड x प्लस टू की जगह मैं क्या लिखूंगा, अगर x माइनस टू से बड़ा है तो उसकी जगह लिख देंगे x प्लस टू, तो यहां पर लिख देंगे x प्लस टू, यहां पर लिख दिया x प्लस टू, अच्छा। और अगर वो प्लस वन से छोटा है, अगर x प्लस वन से छोटा है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस वन, तो माइनस ऑफ x माइनस वन, और यहां लिखेंगे हम रेंज इसकी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन वन, ये हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर x वन से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है, तो अगर x वन से बड़ा है तो खुद समझ जाइए कि अगर कोई चीज वन से बड़ी है तो वो माइनस टू से तो बड़ी ही होगी, ठीक है।
यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू वाला वैल्यू मैं लूंगा, ठीक। तो उस केस में हमारा मॉड x प्लस टू की जगह आ जाएगा x प्लस टू, और प्लस क्योंकि अब मैं x वन से बड़े की बात कर रहा हूं तो मॉड x माइनस वन की जगह आ जाएगा x माइनस वन, तो प्लस का x माइनस वन, और यहां पर रेंज में लिखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इंफिनिटी एंड लेस देन इंफिनिटी। इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई करो थोड़ा और, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया माइनस टू एक्स, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया, और ये माइनस का टू और ये माइनस माइनस प्लस का वन, तो माइनस टू प्लस वन क्या हो गया माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन हो गया। यहां लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन माइनस टू। यहां देखो x से माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा और टू माइनस माइनस प्लस यानी कि टू प्लस वन, तो ये हो गया थ्री। यहां लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन वन, यहां पर x प्लस x हो जाएगा टू एक्स, और प्लस का टू माइनस वन ये हो जाएगा प्लस का वन, टू एक्स प्लस वन, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। तो अब जाकर मेरा ये क्लियर हुआ है कि मैं मॉड से बाहर निकल पाया और मैंने ये देख लिया कि अब मेरा फंक्शन इतना है। फंक्शन पता चलने के बाद में फिर मैं निकालूंगा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये कहां कहां पर इंक्रीजिंग है कहां कहां पर डिक्रीजिंग है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, मैं ये देख रहा हूं कि तीन अलग अलग वो ली जाएंगी यहां पर डिविजन्स, तीन अलग अलग, क्या माइनस इंफिनिटी से माइनस टू के बीच वाला, माइनस टू से वन के बीच वाला, और वन से इंफिनिटी के बीच वाला। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हेन, हाँ क्या चीज है, चलो इसी में कर दूं, मतलब इसी में कर दीजिए आप। चलो मैं एक काम करता हूँ कि ये एफ एक्स हमारे पास हो गया, ठीक। अब क्या है, ना 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 ना, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं हुए। क्रिटिकल पॉइंट तो जब हमें फंक्शन पता चलता है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके तब निकाले जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फॉर एग्जांपल, हाँ तो फंक्शन लीनियर है लेकिन माइनस इंफिनिटी से माइनस टू डिवाइड होगा दो अलग अलग इंटरवल्स में। देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, आप समझिए। और बिल्कुल नहीं 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 रुकिए एक मिनट, मैं कहूंगा पहले पहले ये बताइए, ये फंक्शन आ गया यहाँ तक तो समझ में आ गया, अभी कहीं मैंने डिफरेंशिएट तो करा ही नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो कोई फंडा ही नहीं लगाया अभी तक। आगे चलते हैं, हम ये कहेंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, एक्स ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन माइनस टू, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर मैं क्या करूंगा एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स। अभी एफ डैश एक्स क्या होगा, यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, ठीक है। अच्छा जब एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई तो मैं अगर इसको जीरो के बराबर भी रखूं तो मेरे पास क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा ना। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज देखिए, यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये माइनस टू एक्स आ जाएगा और माइनस वन का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो मैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही नहीं सकता। एफ डैश एक्स मेरे पास माइनस टू आ गया, ठीक, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो बस ये देख लीजिए कि हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, माइनस टू, माइनस टू यानी कि लेस देन जीरो, सो इट इज डिक्रीजिंग इन, इट इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू, जिसमें ये माइनस इन्फिनिटी के भी इक्वल नहीं है माइनस टू के भी इक्वल नहीं है, डिक्रीजिंग का इंटरवल तो ये हो गया, ये समझ में आ गया। हाँ उसके बाद देखिएगा, फिर मैं बात करता हूं माइनस टू और वन के बीच की, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन वन, यहां पर आप ये देखेंगे कि अगर यहां मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये तो जीरो आ गया,
ये जीरो आ गया तो हम ये कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब उसके बाद 2x प्लस 1 की बात करिए, छोड़ दूं इसको, अपने आप समझ जाओगे कि 2x प्लस 1 को जब मैं इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि वो 1 से इंफिनिटी के बीच में क्या है, वो 1 से इंफिनिटी के बीच में हमारा जो है इंक्रीजिंग है। अब समझिएगा जो तुम कह रहे थे लीनियर वाला, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। ठीक, तो इस केस में क्या है कि इस केस में हमारा ये वाला जो रीजन है यही, इसी रीजन में हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चल जाएगा, और इस वाले रीजन में हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये लीनियर ना होता तो हम इन वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं कह सकते थे। तब क्या होता, तब इनके अंदर भी वैल्यूज निकल के आती, इनके अंदर भी कोई ना कोई पॉइंट निकल के आता। समझ गए? ठीक, सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। तुम्हारा यस सर। हाँ यस सर। हाँ, वन से इन्फिनिटी। सर मुझे एक और डाउट है। बताइए बताइए, और भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। सर क्वेश्चन में लिखा है द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग 3, 3, 0 एंड 4, 1 इज। ठीक है ठीक है, अभी देखता हूँ अभी देखता हूँ। तुम्हारा कौन सा डाउट है? मैंने फंक्शन लिया और फंक्शन लेने के बाद मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके मैंने उसको जीरो के बराबर रख दिया, फिर मैंने एक्स की वैल्यूज निकाली। ठीक है, एक्स की वैल्यूज हो सकता है एक वैल्यू आए, हो सकता है दो वैल्यूज आए, तो फिर हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ही दो वैल्यूज आई है माइनस टू और वन, तो एक रेंज ये हो गई, एक रेंज ये हो गई, एक रेंज ये हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरवल आया ना, इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू लेकर देख लूंगा, कोई एक वैल्यू माइनस टू से छोटी वैल्यू ले ली। ठीक है, और उसको एफ डैश एक्स में डालकर देखा। यहां क्यों नहीं डाल पाया, क्योंकि हाँ डेरिवेटिव में डालना, फंक्शन में नहीं डालना। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। जैसे ये आई वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब इसमें किसी तरीके का कोई लूप होल नहीं है। ठीक है, वो डिक्रीज है तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, ये होता है। ठीक, ये पूछना चाह रहे थे ना? ना ना ना, इस एप्लीकेशन में ही तो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला मैंने। ठीक है, हाँ बेटा बताना जरा, मैं अभी लिख रहा हूँ, बोलना क्या है क्वेश्चन। बताइए। द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। एक मिनट एक मिनट, द पॉइंट ऑन द कर्व वाई, द पॉइंट ऑन द कर्व वाई हाँ इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर where the tangent is parallel to the chord, where the tangent is parallel to the chord, chord हाँ joining 3, 0 and 4, 1 is joining 3, 0 and 4, 1 is। हाँ चलिए जी, यहां पर दे रखा है द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब भी कभी, ये हमेशा याद रखना, जब भी कभी y तो y की पावर तो 1 दे रखी हो और x x जो है वो स्क्वायर की टर्म्स में दे रखा हो, जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो x का स्क्वायर तो आएगा ना, तो अगर किसी भी इक्वेशन में एक तरफ y दे रखा हो और एक तरफ x स्क्वायर दे रखा हो तो फिर वो पैराबोला है। ठीक है, फिर वो पैराबोला है। अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में एक तरफ x हो मेरे पास और y स्क्वायर हो तो भी वो पैराबोला है। यहाँ पर क्या है, y है और x स्क्वायर है, इस पूरी इक्वेशन में y और x स्क्वायर दोनों मिल रहे हैं,
ये पैराबोला है, अगर एक्स और वाई स्क्वायर होते तो भी ये पैराबोला होता। तो हम एक काम करेंगे, कौन से वाला पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर है और वाई है, और वाई पॉजिटिव का वाई है, तो ये जो है, हाँ अगर दोनों स्क्वायर हैं तो सर्कल, तो सर्कल, तो आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है। इट इज अ पैराबोला ऑफ द फॉर्म अच्छा जरूरत है नहीं इसकी, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, हाँ तभी तभी उसी चीज पर आ रहा हूँ, उसी चीज पर आ रहा हूँ। इट इज अ पैराबोला ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। हम मान लो हमें याद ही नहीं है, हम मान लीजिए कि हमें याद ही नहीं है कि ये पैराबोला है, तो कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी आप डायग्राम बना दीजिए, कुछ भी कर्व बनाना है ना तो कर्व फिगर बना दो कोई भी। आंसर क्या है ऐश्वर्या बताना। सेवन बाय टू कॉमा वन बाय फोर 7/2, 1/4। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, जो पढ़ते हैं और चीजें याद नहीं आती उनका आंसर जल्दी आ जाता है, ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ। भाई मिसगाइड मत करो अपने साथ वालों को, बता रहा हूँ। अच्छा हाँ ये तो सही सर कह रहे, किसका निकल गया आंसर? मैथ्स मैथ्स में लग रहा है ये अर्श का निकल गया आंसर, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा करेक्टली एस्टिमेट करो अपने आप को, और फिजिक्स में भी हो जाएगा सब ठीक, मैथ्स में ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलो ठीक है बढ़िया है। चलो जी देखो देखो, वैसे इतना मुश्किल है नहीं क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। अब अगर मान लो मुझे पता नहीं है कि पैराबोला क्या होता है, सर्कल क्या होता है, वो सारी इक्वेशंस में भूल चुका हूँ, तो आप इसको नॉर्मली कोई भी कर्व मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये कर्व बना दिया, ये ऐसे कर्व है, और कर्व क्या है, इस पर मैंने ऐसे ही लिख दिया वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने बोला था पॉइंट ऑन द कर्व, तो इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा, मान लो ये है पॉइंट, मान लो ऐसे ही, और यही पॉइंट मेरे को निकालना है, वेयर द टेंजेंट टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग, वेयर द टेंजेंट टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 3,0 एंड 4,1 इज, ठीक है, वेयर द टेंजेंट टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग, टेंजेंट टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग, इसका मतलब क्या है, एक मिनट रुकिए ना, टेंजेंट टू द कॉर्ड, टेंजेंट टू द कॉर्ड, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल, हाँ, वेयर द टेंजेंट, तो वो पॉइंट, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट डाल दिया ऐसे, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट डाल दिया, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग, कोई एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है, तो 3,0 4,1 ये हो गया। तो यहां पर आप ये देखिएगा कि ये जो इसकी ना, मैं इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूँ और इसका भी स्लोप निकाला जा सकता है। टेंजेंट टू अ कर्व का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इसका स्लोप क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 2 × x-3, और फिर फर्दर एक्स माइनस थ्री को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 ही तो आएगा, है ना। तो ये मेरे पास हो गया 2x-6, ये आ गया 2x-6, तो 2x-6 इसका स्लोप आ गया, और इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो ये जो स्लोप मैंने निकाला ना, इसको ना M1 बोल दो, M1 बोल दीजिए इसको, क्यों, क्योंकि जब इसका स्लोप आ गया तो वो इसके स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी, ठीक है। चलिए तो मैं ये कहूंगा स्लोप ऑफ द गिवन कॉर्ड, स्लोप
स्लोप ऑफ द गिवन कॉर्ड, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, 1 minus 0 upon 4 minus 3, 1 minus 0 upon 4 minus 3, ये हो गया, ये m2 है, ये m2 है, तो आप ये कह दीजिए m1 is equal to m2 since tangent is parallel to chord m1 is equal to m2. m1 कितना है, 2x minus 6, और m2 कितना है, 1, तो यहां से 2x is equal to 1 plus 6, तो x कितना हो गया, 7 by 2, x हो गया 7 by 2, ये x कहां पर लाई करेगा, क्योंकि ये 2x minus 6 इसका स्लोप आया है, तो ये इसी पॉइंट का, तो ये जो वैल्यू आई है x की, ये इसी पॉइंट की तो वैल्यू आई होगी, अच्छा ये वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लो, x minus 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस y इज इक्वल टू x minus 3 का होल स्क्वायर, तो x कितना है, 7 by 2 minus 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 7 minus 6 upon 2, 1 by 2 हो गया ना, है ना, 1 by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, 7 by 2 कॉमा 1 by 4, बताइए जी, क्लियर है, वेरी गुड, हाँ ये मुझे पता नहीं कहाँ का है, कहाँ का है ऐश्वर्या, एनसीईआरटी का है ये, सर मास्टरमाइंड का ही है, मास्टरमाइंड का ही है, और बताइए, और किसी को कोई डाउट है, सर सब ठीक हो जाएगा, हाँ बताओ सर, हाँ जी बोलो सर, एओडी में सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, वो मैक्सिमा मिनिमा वाले में जिसमें फिगर निकालनी होती है, ठीक 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 है ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा शुरू से ही करवा दूंगा, शुरू से ही करवा दूंगा मैक्सिमा मिनिमा, आप क्या कह रहे थे, क्या लेफ्ट हैंड, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा बताता हूँ अभी भाई, कोई और डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी बताता हूँ, वही पूछ रहे हो ना सर, एक और है, कल पेपर है मेरा, बताइए जी पूछिए, मेरा मतलब Let AP and BQ be two vertical poles at point A and B respectively. एक मिनट मैं ना नोट कर लेता हूँ। सर अगर आपके पास बुक है तो मैं क्वेश्चन नंबर बोल दूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। 103. अपने वो AOD का। ठीक है ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 103 अगर है ना बुक तो देख लीजिए, मैं लिख देता हूं इधर, हाँ भाई करके दिखाना, एपी एपी करके दिखाना, yes, चलिए, अरे नहीं इधर एक एपी भी है वो, तो इधर केपी सुन रहा है, ओके सर, क्वेश्चन नंबर 103, लेट एपी एंड बीक्यू, Let AP and BQ be two vertical poles let AP and BQ be two vertical poles at points A and B respectively. At points A and B respectively. At points A and B respectively, full stop. If AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter. If AP is equal to 16 meter and
BQ is equal to 22 meter and AB is equal to 20 meter. And AB is equal to 20 meter, comma, then find the distance of a point. Then find the distance of the point. Then find the distance of the point R on AB from the point A. R on AB from the point A. From the point A, such that RP square plus RQ square is minimum. Such that RP square plus RQ square is minimum. ठीक है. और ऑप्शंस दे रखे हैं 5, 6, 10, 14. ऑप्शन ए है 5 मीटर, बी है 6 मीटर, सी है 10 मीटर और डी है 14 मीटर. ये दे रखा है. अब जरा देखिएगा कैसे करना है इसको. ऐसे क्वेश्चन की पहले फिगर बना लीजिए. हाँ, अब आंसर 5 है. कर लिया. एक मिनट, 5 है या कुछ और? 10 दे रखा, 10 है. चलिए, लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो दो पॉइंट्स बना लीजिए और वर्टिकल पोल्स हैं, तो वर्टिकल पोल ग्राउंड पर ही लगेंगे. तो इसका मतलब ए और बी ग्राउंड पर कोई दो पॉइंट्स हैं. तो मैंने क्या करा, यहाँ पर बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं. मान लीजिए एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और ये हो गया ए पी और ये हो गया बी क्यू. ए पी और बी क्यू मैंने वैसे दोनों सेम साइज के बना लिए, हो सकता है अलग अलग साइज हो. हमने अलग अलग ही है साइज. बी क्यू थोड़ा लंबा बना लो. ठीक है, तो ए पी जो है, ए पी कितना दे रखा है, 16 मीटर और बी क्यू है 22 मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर. तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है. वो बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी. ए बी पर कोई एक पॉइंट है आर. मैंने ये कह दिया कि चलिए ये वाला पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए. तो मुझे यहां से और यहां तक वाला डिस्टेंस बताना है. तो ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया. ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया. फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम. ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ये x है तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स. ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है ये समझ लीजिए. एफ एक्स इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. मेरे को इसको क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है. ठीक है, और वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है. तो अब जरा देखिएगा, दे रखा है ना सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम. ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव है, प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है. सही कह रहे हो. चलिए, अब आप ये देखिएगा कि एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. भाई पाइथागोरस थ्योरम, आर पी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16. बट उसमें तो आर पी होल स्क्वायर होना चाहिए ना. हाँ बेटा, आर पी होल स्क्वायर वो ऐसे ही ना, नॉर्मल लैंग्वेज में आर पी होल स्क्वायर को आर पी स्क्वायर. ओके सर. तो ऐसे ही आर क्यू स्क्वायर जो है, ये आर क्यू का स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो ये 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर. 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर. ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 20 का स्क्वायर 400
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 40x और 22 का स्क्वायर 484. fx इज इक्वल टू रुको तो सही एक मिनट. हाँ सही कह रहे हो. कई बार ना मेरे को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव आने में टाइम लग जाता है. चलो कोई नहीं. देखिए ये हो गया 2x square और ये हो गया हमारा माइनस 40x. अरे 2x square हो गया ना. x square plus, अभी मैं fx ही निकाल रहा हूँ. f dash x पर आ रहा हूँ अभी, एक मिनट रुको. तो 256 plus 484 कितना हो जाएगा? टोटल 1440. हालांकि इसकी भी जरूरत है नहीं, जीरो होने वाला है. f dash x निकालेंगे और f dash x निकाल कर कितना आ जाएगा? 4x minus 40 प्लस जीरो. और जब हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है ना, मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम वैल्यू हो, तो जब वो वैल्यू निकालनी होती है तो एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रख देते हैं. तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10. पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से क्या हो जाएगा? 4x माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स की वैल्यू ना 10 मीटर आ गई. एक्स की वैल्यू 10 मीटर आ गई, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ये सही है. और क्या होता है कि सब्जेक्टिव में एक बड़ा झमेला होता था कि पहले इसको एफ डैश एक्स को निकालो, फिर उसको जीरो के बराबर रखो, उसकी वैल्यू निकालो. निकालने के बाद फिर मेरे को इसका डबल डेरिवेटिव निकालना होता. जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव निकालते और डबल डेरिवेटिव को प्रूव करना होता कि वो इस एक्स इज इक्वल टू 10 वाली वैल्यू पर ग्रेटर देन जीरो आएगा. अगर मिनिमम प्रूव करना है तो वो प्रूव तो करना ही नहीं है. तो कुल मिलाकर वो एक पॉइंट पूछ रहे हैं कि वो आप पॉइंट बता दीजिए, वो डिस्टेंस बता दीजिए. तो वो डिस्टेंस हमने पहले से ही x मान लिया, तो x की वैल्यू सीधा सीधा जीरो के बराबर रखने से आ गई. बताइए समझ गए? अगर दो वैल्यू आती तो फिर डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालकर देखनी पड़ती कि किस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है. तो वो ग्रेटर देन जीरो आता जिस वैल्यू पर, उस पर मैं बोलता कि ये इस पर हमारा मिनिमम है. जहां लेस देन जीरो आता वहां पर मैं बोलता कि मैक्सिमम है. ठीक है, समझ गए? बताइए. यस सर. ठीक है, एक मिनट का टाइम दीजिए, बाकी किसी को डाउट हो तो बताओ. अरे यार तुम्हारा भी कल पेपर है क्या? चलो कोई नहीं, अभी बता रहा हूँ.